नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 21 नवंबर 2021 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, द्वितीया तिथि 7:47 रात्रि तक रहेंगे, उपरांत तृतीया तिथि का आगमन हो जाएगा। नक्षत्र रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र 6:36 7:36 AM तक ही रहेंगे, सुबह तक ही रहेंगे। उपरांत मृगशिरा नक्षत्र का आगमन हो जाएगा, जिसके स्वामी मंगलदेव हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे पूरे दिन। राहु काल 4:06 संध्या से लेके 5:25 संध्या तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं और 7:36 तक सुबह चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। 7:36 के बाद चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में चले आएंगे, जिसके स्वामी मंगलदेव हैं। मंगल सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं। मंगल आपकी कुंडली में आज के दिन बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हुए हैं, आय भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में दिन आपका बड़ा ही शानदार है। व्यापार से काफ़ी लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से काफ़ी लाभ होगा, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होगा। संतान पक्ष के स्वामी, संतान भाव के स्वामी यानी पंचम हाउस के स्वामी सूर्यदेव आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो संतान से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ होगा। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, प्रशासन में हैं, सरकार के किसी कार्य में कार्यरत हैं, उनके के लिए समय आज बहुत अच्छा नहीं है। उन्हें काफ़ी सावधानी से काम करनी होगी, वरना उनके काम में काफ़ी तकलीफ, उनके बॉस, उनके उच्चाधिकारी काफ़ी परेशान कर सकते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि आज कोई भी अनैतिक काम न करें, हर तरफ से स्वच्छ रूप से सत्य की राह पर चलते हुए काम करें, वरना आज के दिन उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। शनिदेव बैठे हुए हैं दशम स्थान पर। 20 तारीख को ही बृहस्पति देव का ट्रांजिट हो चुका है और बृहस्पति देव आपके लाभ भाव में चले गए हैं। बृहस्पति देव लाभ भाव में यानी कुंभ राशि में चले गए हैं और बृहस्पति आपकी कुंडली में अभी मंगल के ही नक्षत्र में हैं, तो लाभ भाव का और व्यापार भाव का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होगा, व्यापार में आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। कुल मिलाकर दिन आज बहुत ही शानदार है। दिन रविवार है, सूर्य को जल चढ़ावें। ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ावें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा। मंगल के भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम क्रौम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आप ही के राशि पर, आप ही के राशि आप ही के लग्न पर राहु की युक्ति में बैठे हुए हैं और 7:47 सुबह तक चंद्रमा रहेंगे अपने ही नक्षत्र में। 7:47 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके कुंडली में 6 भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी हैं और मंगल आपकी कुंडली में व्यापार भाव के स्वामी हैं और व्यापार भाव से 12वें में मंगल बैठे हुए हैं, तो आज व्यवसाय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको, पार्टनर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। थोड़ा दिन आज बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा क्रोध भी आपको आ सकता है, तो क्रोध से बचे और अपने मनोबल को काफ़ी ऊंचा रखें। मंगल आपकी कुंडली में अष्टम में बैठे हुए हैं और मंगल आपकी कुंडली में बृहस्पति के ही नक्षत्र में हैं,
और बृहस्पति आपके कुंडली में कुंभ राशि में चले गए हैं और दशम में बैठे हुए हैं। दशम भाव से मंगल नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल आपको जमीन जायदाद के काम में कुछ फायदा दे सकते हैं। जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं, जो व्यक्ति केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति अग्नि से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें आज कुछ फायदा हो सकता है। दिन बहुत अच्छा नहीं है आपका, सूर्य भी बैठे हुए आपके पार्टनरशिप हाउस में केतु और बुध के साथ, तो जीवन साथी से भी कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि जीवन साथी के कारक ग्रह शुक्र आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी से भी कुछ परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा तालमेल बनाकर चलें जीवन साथी से तो लाभ होगा। पार्टनर से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं, पार्टनर कुछ आपको परेशान कर सकते हैं, तो धैर्य से आज के दिन काम लें। आज के दिन आप 1.25 किलो मसूर का दाल किसी भी ब्राह्मण को दान करें, आपको काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव 12वें भाव में बैठे हुए हैं आपके वृषभ राशि में और 7:37 के बाद मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में पंचम में बैठे हुए हैं, संतान पक्ष से थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना है, संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी होने की संभावना है, संतान पक्ष को थोड़ा चोट लगने की संभावना है, खर्च आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। इनकम तो होगा क्योंकि मंगल पंचम में बैठकर अपने ही राशि एकादश स्थान को मेष राशि को देख रहे हैं, तो इनकम होने वाला है, जमीन जायदाद से भी इनकम होने वाला है, शेयर मार्केट से भी इनकम होने वाला है, लेकिन खर्च की स्थिति ज़्यादा बनी हुई रहेगी और संतान से थोड़ा बहुत परेशानी आपको हो सकता है। कन्या संतान से आपको लाभ हो सकता है। जीवन साथी हाउस के स्वामी आपके बृहस्पति देव हैं जो नवम भाव में चले गए हैं, तो जीवन साथी के भाग्य से आपको काफी लाभ होने की संभावनाएं हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आज भी फायदा होने की संभावना है, स्वास्थ्य लाभ उनका होने की संभावना है। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। बृहस्पति देव सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो पराक्रम भाव भी बढ़ेगा, छोटे मोटे यात्राएं भी होगी, लेकिन चंद्रमा 12वें में बैठे हुए हैं आपके, जो पूरे दिन 12वें में रहेंगे, तो यात्रा को आज रोक दे, यात्रा से थोड़ा परहेज रखें। राहु भी आपके 12वें में बैठे हुए हैं, राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य आपके 6ठे में बैठे हुए हैं, सूर्य भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, शत्रु उपद्रव तो होगा लेकिन शत्रु आपसे नहीं जीत पाएगा, शत्रु पर पूर्ण जीत हासिल करेंगे आप। कुल मिलाकर दिन केवल यात्रा को छोड़ दिया जाए तो दिन आपका अच्छा है, आय भी होंगे और व्यय भी होंगे, लेकिन यात्रा आज न करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन रविवार है, सूर्य को जल जरूर चढ़ावें, ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः के नाम से सूर्य को जल चढ़ावें, तथा 1.25 किलो गेहूं किसी भी हनुमान मंदिर के पुजारी को दान करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, 7:36 तक चंद्रमा रहेंगे आपके चंद्रमा के ही नक्षत्र में, तो 7:36 तक काफ़ी अच्छा समय है आपका। 7:36 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं, हम मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पे भी पड़ रही है, राहु पे भी पड़ रही है, तो काफ़ी इनर्जेटिक रहेंगे आप, काफ़ी पराक्रमी रहेंगे आप, जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा दूर रहें, शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल है। अगर बुद्धि का उपयोग करते हैं, क्योंकि बुध भी पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, अब बुध आपकी कुंडली में बृहस्पति के ही नक्षत्र में, बृहस्पति आपकी कुंडली में अब अष्टम भाव में आ गए हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में आ गए हैं आपके कुंभ राशि में, बृहस्पति आ गए हैं और बृहस्पति भी मंगल के ही नक्षत्र में हैं, तो थोड़ा शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। दिन अच्छा है लेकिन अच्छे कार्य करने के लिए ही दिन अच्छा है, राहु भी बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ, तो कुछ बुरे काम करने, अनैतिक काम करने के लिए भी आप
अग्रसर हो सकते हैं, तो थोड़ा अनैतिक काम से दूर रहें, सत की राह पर चले, काफ़ी लाभ होगा। दिन आपका काफ़ी अच्छा है, बुरा दिन नहीं है। आज के दिन आप सूर्य के ही मंत्रों का जाप करें, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, या हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। शिवलिंग पर आप जल चढ़ावें, वो भी अत्यंत लाभकारी होगा। दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रदेव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, राहु की युक्ति में बैठे हुए हैं, और 7:36 सुबह तक चंद्रमा के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो सुबह 7:36 तक दिन आपका अच्छा नहीं है। 7:36 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं। अब मंगल आपकी कुंडली में काफ़ी योग कारक ग्रह हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब मंगल तृतीय स्थान में बैठकर आपको काफ़ी पराक्रमी बना रहे हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी पड़ रही है भाग्य भाव पर, भाग भी आपका काफ़ी प्रबल रहेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पर, तो कर्म भी बहुत प्रबल रहेगा आपका। जो भी आज काम करेंगे काफ़ी मेहनत से करेंगे, काफ़ी पराक्रम से करेंगे, और हर काम से आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा अज्ञात भय आप में शामिल रहेगा, तो अज्ञात भय से दूर रहें, बिना मतलब के भय से दूर रहें। हर तरफ से आपको लाभ मिलने वाला है। बृहस्पति देव भी ट्रांजिट कर चुके हैं, बृहस्पति देव कुंभ राशि में आ गए हैं, और कुंभ राशि आपके कुंडली में सप्तम भाव की राशि है, और बृहस्पति भी मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल बृहस्पति से नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो जीवन साथी से भी जो प्रॉब्लम आपका बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसमें भी कुछ सुधार होने की संभावनाएँ हैं। शुक्र बैठे हुए हैं आपके पंचम स्थान पर, आय स्थान को देख रहे हैं, कन्या संतान से काफ़ी लाभ होने की संभावना है। कुल मिलाकर दिन आज आपका बहुत ही शानदार है। इस शानदार दिन का पूरी तरह से उपयोग करें, अच्छा खाना खाएं, ढंग से रहें, घूमने फिरने का भी काफ़ी योग बना हुआ है, घूमने फिरने से भी काफ़ी फायदा होगा, और संतान पक्ष से भी आपको फायदा होने का संभावनाएँ पूरी बनी हुई हैं, विशेष करके कन्या संतान से। संडे का दिन है, रविवार का दिन है, सूर्य को तो जल चढ़ाना नहीं भूलें, तथा साथ में हृदय आदि स्तोत का भी पाठ करें। आज के दिन आप किसी भी युवा ब्राह्मण को 1.25 किलो गेहूं और थोड़ा गुड़ दान करें, काफ़ी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, वृषभ राशि में, 7:36 सुबह तक रहेंगे चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, तो 7:36 तक दिन तो बहुत आपका शानदार है। 7:36 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं। मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं, और मंगल आपकी कुंडली में बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति आपके 6 स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसे में दिन थोड़ा तनावपूर्ण आपका रह सकता है, अनवांटेड फियर आपके दिमाग में रह सकता है, लेकिन जमीन जायदाद से आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। जमीन जायदाद से काफ़ी आपको फायदा मिलेगा, वाणी में थोड़ी सी कठोरता रहेगी, तो कठोर वाणी का प्रयोग न करें। बृहस्पति देव पंचम स्थान से ट्रांजिट कर चुके हैं, बृहस्पति देव आपके 6 स्थान पे आ गए हैं, और बृहस्पति देव भी मंगल के नक्षत्र में हैं। आज के दिन आपको हर तरफ से लाभ होने की संभावना है, लेकिन पेट में कुछ प्रॉब्लम रहने की संभावना है, पेट के दर्द से कुछ परेशान आप रह सकते हैं, आँख में आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कन्या राशि वाले, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, विदेश से भी आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है, विदेश से भी अच्छे अच्छे समाचार मिलने की संभावना है, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, भाग्य आपका बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अनवांटेड फियर आप में रहेगा, अनवांटेड भय रहेगा, उस भय को आपको दूर करना है, क्योंकि अनवांटेड भय बिना कारण के आपको रह सकता है। आज के दिन आप 1.25 किलो साबुत मूंग किसी भी शिवालय के
पंडित को दान करें या किसी भी उजले गाय को हरा चारा खिलावें, पालक खिलावें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, साथ में राहु भी बैठे हुए हैं। 7:36 तक चंद्रमा रहेंगे आपके चंद्र के ही नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी खुद चंद्र है। चंद्र की राशि कर्क आपके दशम भाव की राशि है। 7:36 तक समय आपका अच्छा नहीं है। 7:36 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं, राशि पे बैठे हुए हैं, तो दिन थोड़ा सा घटना दुर्घटना वाली हो सकती है। आपको चोट लग सकता है, सर में चोट लग सकता है, आपके पैर में चोट लग सकता है, कुछ बुखार वगैरह भी आपको हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य पर आज के दिन विशेष ध्यान दें। जमा पूंजी में आपकी बढ़ोतरी होगी। बुध, सूर्य और केतु तीनों बैठे हुए हैं आपके द्वितीय स्थान में, तो जमा पूंजी में कुछ बढ़ोतरी ही होगी, जमा पूंजी में खर्च नहीं होगा। बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में आ गए हैं, कुंभ राशि में, और एकादश भाव को देख रहे हैं। आय की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष से काफ़ी अच्छे अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन थोड़ा सावधानी बरतें, किचन में जाने से सावधानी बरतें, आग से दूर रहें, बिजली से दूर रहें। छोटा मोटा चोट लगने की संभावना माथे में है, पैर में है, तो थोड़ा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य पर। आज के दिन आप मंगल के ही मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सारा छोटा मोटा घटना दुर्घटना दूर हो जाएगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, राहु की युक्ति में बैठे हुए हैं और लग्न को देख रहे हैं। लग्न में भी आपके राशि पे भी आपके सूर्य बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, तो काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, मान सम्मान काफ़ी मिलने वाला है आपको, आप काफ़ी सम्मानित होंगे। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य से आपको प्रॉब्लम होगा, पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले को प्रॉब्लम होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सप्तम हाउस के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव सप्तम हाउस से अष्टम में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा जीवन साथी से परेशानी हो सकती है आपको। लेकिन जो व्यक्ति सिंगिंग का काम करते हैं, जो व्यक्ति मॉडलिंग का काम करते हैं, जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं, उनके के लिए दिन बड़ा ही सुंदर है। दिन रविवार है, लेकिन फिर भी प्रयास करें, आज आपको काफ़ी काम मिलने की संभावना है, मान सम्मान आपका बढ़ने की संभावना है। शनि देव बैठे हुए हैं तृतीय स्थान पर, भाग भाव को देख रहे हैं, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। शनि चंद्रमा के ही नक्षत्र में हैं और चंद्रदेव आपके भाग भाव के स्वामी हैं। अच्छे अच्छे काम करें, शनिदेव अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं, गलत काम का दंड देते हैं, तो हर अच्छे काम में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। बृहस्पति देव ट्रांजिट करके कुंभ राशि में आ गए हैं, जो आपका चतुर्थ भाव की राशि है। बृहस्पति भी मंगल के ही नक्षत्र में है और बृहस्पति देव देख रहे हैं आपके दशम भाव को, तो काम धाम की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च की स्थिति बढ़ी हुई रहेगी। दिन मध्यम है आपका। आज के दिन हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, चंद्रदेव आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, 7:36 तक चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। 7:36 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल आपके आय भाव में बैठे हुए हैं, मित्रों से काफ़ी लाभ मिलेगा, भाई से काफ़ी लाभ मिलेगा, हर तरफ से आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। दिन रविवार है, लेकिन लाभ में कोई कमी नहीं होगी, हर तरफ से आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। बृहस्पति देव तीसरे स्थान में आपके आ गए हैं। अब बृहस्पति देव भाग भाव को देख रहे हैं, भाग पूरा प्रबल रहेगा। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी काफी अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई रहेगी। शुक्र भी बैठे हुए हैं आपके राशि लग्न पे, काफी रोमांटिक रहेंगे, काफी खुशहाल रहेंगे, काफी शौकीन वाला हर काम को पूरा करेंगे। दिन बड़ा ही अच्छा है आपका, हर तरफ से दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा शत्रु से आप सचेत रहें। वैसे शत्रु से जो गुप्त शत्रु है, आपके मित्र बनकर आपके साथ रह रहे हैं, उनसे थोड़ा सचेत रहें। आज के दिन आप मंगल के मंत्रों का जाप करें। ओम क्रौं क्रीं क्रौं स भौमाय नमः।
ओम क्रम क्रीम क्रम सब होमाय नमः, काफी लाभ होगा आपको। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रमा आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं राहु के साथ। 7:36 में चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके दसम भाव में बैठकर दिग्बली हैं। जो व्यक्ति पुलिस में काम करते हैं उनके लिए बड़ा ही सुंदर समय है। जो व्यक्ति प्रशासन में है, पुलिस में है, प्रशासन में है, सेना में है, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन होने की संभावना है। जो व्यक्ति जमीन का काम करते हैं उनको भी सफलता मिलने की संभावना है। जो व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको भी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। संतान पद से भी आपको अच्छे अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। राहु चंद्रमा के ही नक्षत्र में है और चंद्रमा आपके कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी हैं। बहुत सारे युवा युवती आज के दिन प्रेम विवाह इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज करें और सदा सुखी रहें। लेकिन शादी ब्याह में ध्यान देने की जरूरत है, अपने माता पिता से भी परमिशन लेने की जरूर जरूरत पड़ेगी आपको। माता पिता भी आपको सहयोग करेंगे आज के दिन। दिन काफ़ी अच्छा है, बृहस्पति ट्रांजिट करके चले आए हैं कुंभ राशि में, जो आपके द्वितीय भाव के राशि हैं। बृहस्पति भी मंगल के नक्षत्र में हैं, तो काम से आपको काफ़ी फायदा होगा। पूंजी, जमा पूंजी में भी बढ़ोतरी होगी, पैतृक संपत्ति में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही है, शत्रु भी नतमस्तक हो सकते हैं आपके। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम स्थान पर, हर तरह का विरोध, हर तरह का रोग आपसे दूर होगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है आपकी दशम स्थान पर, काम धाम में काफी बढ़ोतरी होगी। और बृहस्पति भी मंगल के नक्षत्र में है, मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत ही अच्छा समय है। मकर राशि वाले पूरी मेहनत से काम करें और ईमानदारी से काम करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आप न भूलें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, सुंदर कांड का पाठ जरूर करें, काफ़ी लाभ होगा। शनि की सरस्वती भी चल रही है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए एक रूटीन वर्क है, उसे कर लें, बहुत सारा लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान में, राहु के साथ बैठे हुए हैं और 7:36 पर मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो पराक्रम बहुत ही शानदार रहेगा आपका, पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा आपका, हर काम पराक्रम से आप कर सकते हैं। चंद्रमा राहु के साथ पंचम चतुर्थ भाव में है, तो यात्रा करना आपके लिए कहीं से उचित नहीं होगा, यात्रा से आज आप दूर ही रहें, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। चंद्रमा और राहु दोनों देख रहे हैं आपके दशम भाव में को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बृहस्पति ट्रांजिट करके आपके राशि और लग्न पे आ गए हैं। आप बृहस्पति की दृष्टि अमृत तुल होती है, बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है, संतान की काफ़ी उन्नति होगी। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, व्यापार में काफ़ी फायदा होगा, पार्टनर से काफ़ी फायदा होगा, जीवन साथी से काफ़ी फायदा होगा। बृहस्पति की दृष्टि नवम दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव पर भाग भी काफ़ी प्रबल रहेगा, बहुत ही सुंदर समय आपका चालू हो गया है। शनि की सरस्वती चल रही है, शनि भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा। चंद्रमा राहु के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा मन बेचैन रहेगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दिन बहुत ही शानदार है कुंभ राशि वाले आपका, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन किसी भी महिला को श्रृंगार का सामान दान करें, किसी भी महिला को श्रृंगार का सामान अपने पैसे से खरीद के दान करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, 7:36 के बाद मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं, यात्रा का काफी योग है, यात्रा में थोड़ा नुकसान ही आपको हो सकता है, यात्रा में फायदा होने की स्थिति नहीं है। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं, मंगल भी आपके कुंडली में बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति भी बारहवें में बैठे हुए हैं। विदेश जाने का योग बन सकता है आपका, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है आपकी, विदेश से आपको फायदा हो सकता है,
लेकिन मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हुए हैं, थोड़ा किस्मत साथ नहीं दे रहा है आपका। अग्नि से दूर रहें, किचन में जाने से दूर रहें, जमीन जायदाद का काम करने से थोड़ा परहेज रखें और सोच समझ के काम करें। लेकिन जो व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन्हें फायदा होने की संभावना है, जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं उनको फायदा होने की संभावना है, जो व्यक्ति फिल्मों में काम करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं उनको फायदा होने की संभावनाएं हैं, जो व्यक्ति सिंगिंग करना चाहते हैं उनको फायदा होने की संभावनाएं हैं। बृहस्पति देव ट्रांजिट करके आपके बाड़मेर में चले गए हैं और बृहस्पति भी मंगल के नक्षत्र में है, मान हानि की भी थोड़ी नुकसान हो सकती है, चोट उट भी पैर में लग सकता है आपका, अग्नि से प्रॉब्लम हो सकता है, तो अग्नि से भी दूर रहें, सावधानी बरतें। बृहस्पति देव बाड़मेर में है, खर्च की अधिकता रहेगी, मान सम्मान की भी थोड़ी कमी हो सकती है आपको। बृहस्पति अच्छे रिजल्ट्स आपको तत्कालिक नहीं दे रहे हैं, दिन बहुत अच्छा नहीं है आपका। ऐसे में आप बृहस्पति के ही मंत्रों का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहें, विष्णु जी के शरण में रहें, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण का जाप करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। राशिफल की श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।